नमस्कार। 20वें नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के हाइलाइट्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है और शुरुआत करते हैं F12-F13 कैटेगरी जैवलिन थ्रो से। नंबर का बिप बहने दुष्यंत कुमार, जो कि छत्तीसगढ़ के जैवलिन थ्रोअर हैं, उन्होंने शुरुआत अच्छी की। उनका सबसे अच्छा थ्रो 37.62 मीटर का रहा। बारी थी 672 बिब नंबर के विशाल पथोती, जो कि कर्नाटक के जैवलिन थ्रोर है उनकी। नंबर के अक्षय कुमार मीणा, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी अच्छा प्रयास किया। ४४५ नंबर के जसवंत ने भी तीनों खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर दी। हरियाणा के जसवंत ने कोशिश बहुत की, लेकिन सभी खिलाड़ियों ने मिलकर इस खेल के स्तर को थोड़ा और बढ़ा दिया। उसके बाद बारी थी F41 मेंस जेवलिन थ्रो की। यहां पर छोटे कद के खिलाड़ी थ्रो करते हैं। नितेंद्र सिंह ने कोशिश पूरी की नवदीप को हराने की, लेकिन नवदीप, जो कि 464 नंबर का बिप पहने हुए हैं, उन्होंने बताया कि क्यों वो इस कैटेगरी में भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे जैवलिन थ्रो में से एक हैं। दीप टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत का हिस्सा रहे थे और बड़े ही छोटे मार्जिन से वो ब्रॉन्ज मेडल चूक गए थे। टोक्यो में नवदीप चौथे नंबर पर रहे, लेकिन यहां पर उनके शानदार प्रदर्शन का मतलब ये रहा कि इस कैटेगरी में गोल्ड मेडल उन्हीं के नाम रहा। और उसके बाद बारी F37 जैवलिन थ्रो की थी। अरे रिपोर्ट। एक
तरफ थ्रोस चल रहे थे तो दूसरी तरफ ट्रैक पर T37 की हीट चल रहे थे। बिब नंबर पहने नवदीप और 487 बिब पहने रमन शर्मा, जो दोनों हरियाणा के धावक हैं, उन्होंने हीट्स में कमाल किया। T37 कैटेगरी की दूसरी हीट में श्रेयांशु त्रिवेदी, जो कि उत्तर प्रदेश के धावक हैं, 1042 बिब पहने सबसे आगे नजर आए। वुमेन्स लॉन्ग जंप T37 T38 कैटेगरी का भी चल रहा है। बिब पहने चिरंजीता भारती, जो कि असम की लॉन्ग जंपर है, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। अलीशा बेन गामित गुजरात की लॉन्ग जंपर हैं, उन्होंने चिरंजीता को कड़ी टक्कर दी। 407 सीता हरियाणा ने भी इस खेल में अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया। T37 के बाद बारी T45, 46, 47 वुमेन्स लॉन्ग जंप की थी। दिल्ली की 222 नंबर की बिब पहने कीर्ति चौहान ने सबको पीछे छोड़ दिया। T04 इंदर गामित, जो कि गुजरात की हैं, वही 311 बिब पहने निमिषा, जो कि गुजरात की ही हैं, उन्होंने कीर्ति को चुनौती जरूर दी, लेकिन कीर्ति इस कैटेगरी में कमाल कर गई। वुमेन्स लॉन्ग जंप के बाद बारी मेंस शॉट पुट की थी। T45, T46 कैटेगरी में 742 नंबर का बिब पहने सचिन खिलाड़ी, जो कि महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने शुरुआत की। उनके बाद बारी थी 795 नंबर का बिब पहने रवि कुमार, पंजाब की, और 100 बिब नंबर के अक्षय चौहान ने इन खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। शॉटपुट के बाद F54 जैवलिन थ्रो की है। इस कैटेगरी में महिलाओं को कुर्सी से बांधकर थ्रो करना होता है और अगर आपका हिप उठता है तो फिर फाउल गिना जाता है। 237 नंबर का बिब पहने सुवर्णा राज ने शुरुआत अच्छी की। जहां एक तरफ जैवलिन थ्रो महिलाओं का चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ पुरुषों का F54 कैटेगरी का जैवलिन थ्रो भी चल रहा था। 1029 प्रदीप कुमार, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने यहां पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।
बारी थी 200 मीटर दौड़ की। महिलाओं की बात करें तो उड़ीसा की लोकल गर्ल जयंती बेहरा को पछाड़ना किसी के बस की बात नहीं, और तस्वीरें देखकर साफ पता चलता है कि जयंती और उनकी प्रतिद्वंदियों के बीच कितना फासला रहा। पुरुषों में यह कारनामा कर दिखाया श्रेयांशी त्रिवेदी ने, जो कि उत्तर प्रदेश के धावक हैं और वो भी सबसे आगे रहे। हाई जंप T42 63 कैटेगरी का रहा। 174 भी पहने शैलेश कुमार, जो कि बिहार के हाई जंपर हैं, उन्होंने शुरुआत की अच्छी की। 266 नंबर के निखिल, जो कि दिल्ली के हाई जंपर हैं, उन्होंने शैलेश को चुनौती दी। और मीत पटेल गुजरात के, जो कि 354 नंबर का भी पहने थे, उन्होंने इस इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया कि शोभा बढ़ा रहे थे और इस खेल को आखिरी दौर में ले जा रहे थे।
कि आज इतना बिजी शेड्यूल था, पार्लियामेंट भी था, बहुत सारे दिल्ली में एंगेजमेंट भी थे, लेकिन हम सबके बीच होने के लिए सर आपने फ्लाइट ली 5 बजे, पूरा दिन अपनी दिनचर्या खत्म करकर और सीधे आप एयरपोर्ट से हमारे बीच आए हैं। आज हमारी क्लोजिंग सेरेमनी का वक्त है और सभी ऊपर मंच पे हमारे इंडियन ऑयल के ईडी पाइपलाइन हमारे साथ मौजूद है। मैं दीपा जी को ये कहना चाहता हूँ, जब मेरे पास वो आई थी तो मेरे मन में इच्छा थी, आपको जानकर ये भी प्रसन्नता होगी कि हमने देश भर में और प्रधानमंत्री जी ने इससे व्यंगजनों के लिए अनेक तरह के, और ये आप ऐसा प्रयोग आप देखे होंगे केवल उड़ीसा नहीं देश के अन्य हिस्सों में भी, जिनको और उनके लिए एक पूरा एक भाग और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो जनसमर्थन मिलता है, और आज अनुभव किए होंगे और यहाँ जो हमारे बाकी जो दर्शक लोगों ने भी देखा होगा कि उनमें से ये जो संख्या मैं देख पा रहा हूँ, और ये संख्या करीब 150 ऐसे जो हमारे दृष्टिबाधित हैं, 18% खिलाड़ी ऐसे हैं जो हमारे व्हील चेयर से कुछ करते हैं, तो अपने आप में सामने भी हम देख पा रहे हैं। और मैं ऐसे हमारे दिव्यांगों को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे बहुत खुशी है कि इस अवसर पर और यहां मैं देखती हूं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सबसे खास बात इसकी तो करीब 25% ऐसे खिलाड़ी है यहां पर, उसमें महिलाएं, और शायद मुझे मलिक जी ने इस प्रकार के लोगों को और हमारे खिलाड़ियों को इस स्थान तक पहुँचाना उनको और अपने आप में उनकी विशेषता है। Congratulations winners, and thank you Madam Deepa ji and Mr. Satyanarayan.
चर्चा कर पाए।